आज की इस वीडियो में होने वाले हैं डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे गैजेट जिनकी जरूरत एक आदमी को कभी न कभी तो पड़ ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 9, रॉक्स प्रूनिंग सॉ। लकड़ी काटने के लिए वैसे तो आरी या फिर कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों ही चीजों से लकड़ी को काटना बड़ा ही मुश्किल होता है और टाइम टेकिंग भी। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के पावर टूल को, जो कि एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक शॉ होती है। इसकी खास बात ये रहती है कि ये साइज में बेहद छोटी सी और कॉम्पैक्ट रहेगी। इसका ब्लेड भी साइज में छोटा होता है, जिससे कि इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाता है। इसके साथ आपको एक डिटैचेबल बैटरी पैक मिल जाएगा, जिसे कि आप स्वाइप भी करा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और आसानी से किसी भी साइज की लकड़ी को इस गैजेट की मदद से आसानी से काटा जा सकता है। तो अगर आप भी गार्डनिंग में दिलचस्पी रखते हैं या फिर अगर आपको लकड़ी वगैरह छाटने काटने के लिए एक ऐसे टूल की जरूरत है जिससे कि ये काम आसानी से किया जा सके, तो ये गैजेट इस काम में काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नंबर 8, वन व्हील पेंट। अगर आप किसी भी नॉर्मल हावर बोट को देखेंगे तो उसमें नीचे की तरफ छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं, जिस पर सवार होकर आप कहीं भी आसपास जा सकते हैं। लेकिन अब जिस गैजेट को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो ट्रेडिशनल हावर बोट से काफी हटकर होता है, क्योंकि दोस्तों देखने में तो ये आपको कुछ कुछ हावर बोट जैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें चार व्हील नहीं बल्कि एक ही काफी बड़ा सा व्हील लगा होता है, जो कि आपको कंफर्टेबल राइडिंग अवेलेबल कराता है। इसकी टॉप स्पीड 20 माइल्स पर आर की होती है और सिंगल चार्ज पर आप इसे 32 माइल्स तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस कर लेता है और आप इसे उबड़ खाबड़ रास्ताओं में भी आसानी से चला पाएंगे। इसके साथ आपको एक ऑफिशियल ऐप भी मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे कंट्रोल और कस्टमाइज कर सकते हैं, और सामने की तरफ इसमें एक इंटेलिजेंस एलईडी लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि नाइट राइडिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप भी कुछ एडवेंचरस सा करना चाहते हैं तो ये गैजेट इसमें आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस कराता है। नंबर 7, जीरो ब्रीज पोर्टेबल एसी। गर्मी के मौसम में हम लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं रूम के अंदर, लेकिन अगर आप कहीं कैंपिंग वगैरह पर जा रहे हैं तो अपने साथ भारी भरकम एसी को साथ में लेकर कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि एक तरीके का पोर्टेबल एसी होता है। साइज में ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप इसे आसानी से साथ में लेकर कैरी कर सकते हैं, और इस पोर्टेबल एसी की खास बात होती है कि ये बैटरी पावर्ड रहेगा, जिससे कि आप इसे कहीं भी कैंप वगैरह में इस्तेमाल कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको कुछ एडवांस फीचर्स दे रखे होते हैं, जिससे कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही आपके पूरे कैंप को ठंडा कर देता है, और अगर आप तो इसके डीह्यूमिडिफायर मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको एक छोटी सी लैंप भी देखने को मिल जाती है, जो कि रात के समय काफी हेल्पफुल रहेगी, और सिंगल चार्ज पर आप इस एसी को लगभग 5 घंटों तक ऑपरेट कर सकते हैं इसके स्लीप मोड पर। और दोस्तों इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं होते, इसकी बैटरी को आप एक पावर बैंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिटैचेबल बैटरी काफी पावरफुल होती है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और कैमरास वगैरह की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। यानी कि कैंपिंग के दौरान ये एक तरीके का मल्टीपर्पज यूज में आने वाला गैजेट है, जिसका इस्तेमाल एक पोर्टेबल एसी के तौर पर किया जा सकता है। नंबर 6, ओही मैक्यूब 30 वॉट। आजकल ऐसे बहुत सारे मोबाइल फोन आ रहे हैं जिसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता है, यानी कि अगर आप अपने फोन को फास्ट चार्जिंग देना चाहते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड चार्जर की जरूरत होगी, जिसे कि आपको एक्सटर्नली बाहर से खरीदना पड़ेगा। और अगर आपका फोन 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ये चार्जर इसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इस चार्जर की खास बात ये रहती है कि ये साइज में बेहद छोटा रहता है और 30 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और साथ ही इसमें एक छोटी सी एलईडी लाइट भी दे रखी होती है, जो कि चार्जिंग स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर आपका फोन चार्ज हो गया है तो ये पूरी तरीके से ब्लू हो जाएगी, जिससे कि आप चार्जर को डिस्कनेक्ट कर सकेंगे। यानी कि ये ना सिर्फ आपके लिए एक चार्जर रहता है, बल्कि कुछ स्मार्ट फीचर्स भी आपको देता है, जो कि चार्जिंग के दौरान काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके मोबाइल फोन की बेहतरीन बैटरी के लिए। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ अपने मोबाइल फोन के साथ बल्कि टैबलेट और लैपटॉप्स के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक मल्टीपर्पज चार्जर की तलाश में हैं, तो हो सकता है ये गैजेट आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। नंबर 5, गीगा लॉन्गर GS1। दोस्तों आपने एयरबेड्स तो जरूर से देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तो लोग ट्रैवल के दौरान करते हैं, या फिर वो लोग जिनके घर में थोड़ी सी कम जगह होती है वो एयरबेड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर आराम कर सके। तो अगर ऐसा ही कुछ आप भी सोच रहे हैं लेने के लिए, जिसे कि आप इजिली कहीं भी साथ में ले जा सकें और जहाँ पर आपकी मर्जी हो वहाँ पर फौरन इसे सेटअप करके आप आराम कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एयरबेड को। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि फोल्ड होने के बाद ये गैजेट साइज में इतना ज्यादा छोटा रहेगा कि आपके बैकपैक में इजिली आ जाएगा, लेकिन इसमें लगा होता है एक छोटा इन्फ्लेटर, और जब आप इसे ओपन करके चालू करते हैं तो ये सेकंड्स में पूरी तरीके से फूल जाता है और आपके लिए एक मिनी बेड जैसा बन जाएगा, जिसमें कि आप आराम से लेटकर सो सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसे आप अपने साथ ऑफिस में भी लेकर कैरी कर सकते हैं, जिससे कि लंच में अगर आप काम के दौरान थक जाते हैं तो ये बेड आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आराम करने में। साथ ही ट्रैवलिंग के दौरान भी काफी ज्यादा बेहतरीन सा रहता है, जिसे कि आप सेकंड्स में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां चाहें। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा छोटा सा एयर बेड लेना, जिसे कि आप जहां चाहें वहां पर सेटअप कर सकें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, एनर्गाइज कोल्ड प्लंग टब।
मेडिटेशन के लिए वैसे तो जरूरत होती है एक ऐसी जगह की जहाँ पर बिल्कुल भी शोर शराबा ना हो और आप आराम से बैठकर ध्यान लगा पाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही पॉसिबल हो पाता है शहरों में। तो अगर आप इसे करना चाहते हैं अपने घर पर ही, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। देखा जाए तो ये एक तरीके का टब होता है जिसमें कि आप पानी भर पाएंगे, और पानी में बैठकर जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो इसका प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें पानी के टेम्परेचर को भी अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ अटैच होता है एक चिलर जिससे कि गर्म पानी को आसानी से ठंडा किया जा सकता है, और साथ ही एक फिल्ट्रेशन सिस्टम भी इसमें अटैच रहता है जिससे कि इसमें भरा हुआ पानी एकदम साफ सुथरा रहेगा। और इसके फिल्ट्रेशन सिस्टम में आपको यूवी डिसइंफेक्शन के भी फीचर्स मिल जाएंगे जिससे कि पानी आपका पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री रहेगा, जिसमें कि आप आराम से घंटों बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये नेचर से जुड़ने में आपकी मदद करेगा, और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से ये आपको थोड़ा सा अलग कर देता है जिसमें कि आप आराम से पानी में बैठकर थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर थर्ड, स्प्लैश ट्विन। फ्यूल के बढ़ते हुए प्राइजेस की वजह से आजकल काफी सारे लोग ई स्कूटर्स का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, यानी कि अगर उन्हें आसपास कहीं भी जाना होता है तो उनके लिए ई स्कूटर काफी बजट फ्रेंडली रहते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको इंडिया में भी कुछ इस तरीके के स्कूटर्स देखने को मिल जाएंगे जिन्हें कि आप आसपास आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो आपको नॉर्मल जो स्कूटर्स मिलते हैं उन्हें नॉर्मल सिंपल रोड्स के लिए बनाया गया है, यानी कि उनसे आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। लेकिन इस ई स्कूटर की खास बात यह होती है कि इसमें डुअल रोटेटरी मोटर्स दे रखी होती है, यानी कि अगर आप नॉर्मल चलाना चाहते हैं तो आप इसे सिंगल मोटर पर ऑपरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ऑफरोडिंग जैसा सोच रहे हैं तो इसमें दोनों मोटर को आप पावर दे सकते हैं जिससे कि इससे ऑफरोडिंग और भी आसान हो जाती है। सिंगल चार्ज पर लगभग ये 56 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं पर भी जा सकता है, और इसकी टॉप स्पीड 45 किलोमीटर पर आर की होती है, जो कि काफी बेहतर मानी जा सकती है किसी भी ई स्कूटर को देखते हुए। और अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो ये एक फोल्डेबल ई स्कूटर भी होता है जिसे कि फोल्ड करके आप आसानी से अपने घर के अंदर रख सकते हैं। तो ये कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं आपको इस ई स्कूटर में, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर सेकेंड, न्यू ईयर स्कैन रीडर पेन। दोस्तों अगर आप किसी भी स्कैनर को देखेंगे तो ज्यादातर जो स्कैनर्स आते हैं वो प्रिंटर के साथ अटैच्ड रहते हैं, जो कि साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी स्कैनिंग डिवाइस दिखाने जा रहा हूँ जो कि साइज में एक मार्कर जैसी होती है। जी दोस्तों, ये डिवाइस कुछ ऐसी रहेगी जिससे कि आप किसी भी टेक्स्ट को स्कैन कर सकते हैं। ये 55 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है जिससे कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप उसे वर्ड फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसमें ट्रांसलेशन फीचर भी होता है जिससे कि स्कैन किए गए टेक्स्ट को आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, और साथ ही लाइव ट्रांसलेशन का भी फीचर्स इसमें इंक्लूड किया गया है जिससे कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो इस गैजेट की मदद से आसानी से उसकी कही गई बात को अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो कि ट्रेवल्स के दौरान काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो इस तरीके का गैजेट बच्चों के लिए काफी बेहतरीन रहेगा जिससे कि वो डॉक्यूमेंट वगैरह को आसानी से स्कैन कर सकते हैं, और साथ ही ट्रैवल के दौरान भी काफी मजेदार रहने वाला है जिससे कि दूसरों की लैंग्वेज समझने में काफी हेल्प मिलेगी। नंबर वन, एंकर पावर हाउस। अगर हम कहीं ट्रैवल पर गए हों और हमारा मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग अपने साथ पावर बैंक ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज मोबाइल और टैबलेट तक तो लागू होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई हैवी अप्लायंसेज हैं, लाइक अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैमराज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर नॉर्मल पावर बैंक आपके किसी भी काम नहीं आती। वहाँ पर आपको जरूरत होती है एक ऐसे पावर स्टेशन की जिससे कि आप हाई पावर पर अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकें। तो दोस्तों ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक तरीके का पावर स्टेशन होता है जिससे कि आप हाई वोल्टेज के अप्लायंसेज को रन कर सकते हैं। इस पावर स्टेशन में इनबिल्ट होती है 1229 वाट आवर की पावरफुल बैटरी जो कि लिथियम आयन बेस्ड होती है, जिसे कि 0 से 80% तक सिर्फ एक घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है। साथ ही पावर स्टेशन सोलर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जिससे कि केवल 3 से 3.5 घंटों में ही इस गैजेट को 80% तक चार्ज किया जा सकता है। साइज में छोटा होने की वजह से इसे साथ में लेकर ट्रैवल करना भी आसान रहेगा, और इससे आप किसी भी तरीके के हैवी अप्लायंसेस को रन करा सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये पोर्टेबल पावर स्टेशन कैसा लगा। वहीं इस वीडियो में सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यू टेक गैजेट्स।